फ्रेंड इस तरह के ट्रेंडिंग कॉलर ग्रेडिंग स्टेटस बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद प्लस आइकन जाने, जाने बाद कोई भी रेशियो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर से मैं 16:9 कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी वीडियो है आपको इधर से ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। जाने बाद जो वीडियो आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं वीडियो को ऐड कर लेना है। तो इधर से मैं एक वीडियो इधर से ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको फुल स्क्रीन में नहीं आता तो आपको 3 डॉट में जाकर मोबाइल ट्रांसफर में जाना है। साइज में जाकर आपको उसको फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद आप उसको ऐड करना है इफेक्ट। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन जाना है, एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट में जाके उसको आपको फिल कंपोजिशन एरिया सिलेक्ट कर लेना है। एंड तक जाना है, जाने के बाद आपको क्या करना है, पूरे एंड तक जाना है, इमेज को भी एंड तक ले लेना है। उसके स्टार्टिंग में आना है, जो रेक्टेंगल आपने ऐड किया था उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। नीचे आपको आएगा अदर्स, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है कॉपी बैकग्राउंड, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, जो कि इस तरह कुछ हो जाएगा, उसको क्लोज करना है। फिर से आपको ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से सर्च करना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, उसको सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देख सकते हैं सैचुरेशन जो दिखाई दे रहा है उसको आपको फुल 100% कर लेना है। उसको जो वाइब्रेंस दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा आपको इंक्रीज करके 1.10 आपको इधर से परफेक्टली सेट कर लेना है। उसके बाद आपको क्लोज कर लेना है। फिर से आपको ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद इधर से आपको सर्च करना है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, तो उसको सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको ओपन करना है। ओपन करना जो ब्राइटनेस आपको दिखाई दे रहा है इधर से आपको -3 आपको इधर से सिलेक्ट करना है। उसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको क्या करना है इधर से इंक्रीज करके 15% आपको इधर से कर लेना है। उसको क्लोज करना है। फिर से आपको ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से जो कि सर्च करना है हाईलाइट एंड शेडो, तो इधर से आपको सर्च करना है हाईलाइट एंड शेडो ये वाला इफेक्ट, तो सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। उसको ओपन करना है। ओपन करना जो हाईलाइट आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको इंक्रीज करके 120% कर लेना। उसके शेडो आपको इधर से डिक्रीज कर लेना, जो कि 85% आपको इधर से सिलेक्ट करना है, जो कि इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसको क्लोज करना है। फिर से आपको नीचे आना है। आने के बाद आपको इधर से जो कि ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से सर्च करना है शार्पन, तो इसे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो पहला जो इफेक्ट दिखा दे शार्पन उसको सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह आपको कुछ देखने मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो रेडियस आपको दिखा दे रहा है उसको फुल कर लेना है। उसके बाद स्ट्रेंथ जो दिखाई दे रहा है उसको डिक्रीज करके 0.10 आपको इधर से परफेक्टली उसको सेट कर लेना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, तो इतना आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्लोज कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको देखने मिलेगा। फिर से आपको स्टार्टिंग में आना है, फिर से प्लस आइकन जाना है, एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट में जाके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। फिर से इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में आना है, इधर से आपको फिर से आउटडोर्स में जाना है। जाने के बाद आपको ये कॉपी बैकग्राउंड जो दिखाई दे रहा है उसको सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जो रेक्टेंगल 2 है उसको भी आपको एंड तक ले लेना है। उसका जो रेक्टेंगल 2 है उसके ऊपर क्लिक करना है। इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जाने के बाद आपको इधर से ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से सर्च करना है चैनल मैप, देख चैनल रीमैप RGB जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने बाद देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिलेगा। तो पहले आपको जो आ रहा है उसको रहने देना है। उसके लास्ट सेकंड में जो है उसको आपको Y सिलेक्ट करना है। उसको जो B सेशन में है उसको आपको क्या करना है जैसे जो कि G के सिलेक्ट करना है। उसके लास्ट में जो है वो A आपको रहने देना है। तो इतना आपको रहने देना है, उसको क्लोज कर लेना है। फिर से आपको ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको जैसे सर्च करना है RGB स्प्लिट, तो सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने इस तरह देखने मिलेगा, उसको ओपन करना है। उसका जो ओपेसिटी आपको जैसे परफेक्टली 0.01 आपको सेट कर लेना। तो जैसे मैं कर लेता हूँ 0.01 आपको इतना ही आपको रख लेना है। उसके बाद आपको इधर से क्लोज कर लेना है। तो फाइनल देख सकते हैं हमारा जो वीडियो इधर से क्रिएट हो गया। तो देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि इधर से हमारा जो कि वीडियो अच्छी तरह से कलर ग्रेडिंग हो गया। उसको आपको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको SD में जो कि हो जाएगा। तो मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह की कलर ग्रेडिंग होने के बाद इस तरह कुछ देखने मिलेगा। बिफोर आपको देख सकते हैं कितना जो कि इधर से ख़राब दिख रहा है, उसके बाद कलर ग्रेडिंग होने वाला देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि जैसे आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इस तरह जो कि हमारा वीडियो अभी रेडी हो गया। उसके बाद आपको वीडियो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको जैसे शेयर ऑप्शन जाना है, वीडियो के जैसे फुल HD में क्वालिटी आपको 4K जैसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।